फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्रिस्पी इंस्टेंट डोसा रेसिपी और उसके साथ ही मैजिकल चटनी। दोनों कॉम्बिनेशन आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए बेस्ट है और एकदम इजी बन जाता है और क्रिस्पी और टेस्टी बहुत ही है। यहाँ पे 1 कप मैंने चावल का आटा लिया है, या आप बाहर कहीं भी ग्रॉसरी शॉप में इजीली मिल जाएगा या आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। इसके अंदर पानी डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालना है। पानी का मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी आगे कितना लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे तो लम्स बिल्कुल नहीं पड़ेंगे इसमें। यहाँ पे हमने 1 कप चावल का आटा लिया है, तो इसके साथ हमें 2.25 कप पानी डालना है। अभी 2 कप पानी डालती हूँ और थोड़ा बाद में डालूँगी। हरी मिर्ची ली है 1 टीस्पून के करीब, कैप्सिकम लिया है 1 टीस्पून के करीब, 1 गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था और 1 ऑनियन को मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया था। हरा धनिया डालती हूँ 2 टेबलस्पून, नमक ज़रूरत के अनुसार डालें, 1 पिंच हींग डाल दीजिए और 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। बस इतना ही मसाला हमें करना है और इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसको ढक के रेस्ट देने के लिए रख दीजिए। दूसरा पानी हम बाद में थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें इनो वगैरह कुछ भी डालना नहीं है हमें। और यहाँ पे हम चटनी बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 टीस्पून घी लिया है, मेक श्योर करें घी 1 टीस्पून ही ले, ज़्यादा नहीं ले, नहीं तो आपको ये ग्राइंड करने में प्रॉब्लम होगा। 2 टेबलस्पून चने की दाल डाली है मैंने, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम लो फ्लेम के ऊपर हम सेक लेंगे। ये सिक जाए उसके बाद 2 टेबलस्पून उड़द की दाल डाल देते हैं। दोनों को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेते हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 हरी मिर्ची ली है, थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्च है इसके लिए मैंने 1 ली है, आप तीखा जितना खाते हो उतना ले सकते हैं। तुरंत ही हम ये नारियल डाल देते हैं पीसेस करा हुआ, ये 1/2 कप जितना नारियल है। इनको हम ठंडा कर लेंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे। इसके अंदर ज़रूरत के अनुसार नमक डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून चीनी डाल दीजिए और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, पाउडर बन गया है। इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून दही डालेंगे और फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी हमारी बनके तैयार है। इसको आप इडली, डोसा, सांभार किसी के साथ भी खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। एक बार ज़रूर से इस तरह से चटनी बना के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चटनी को साइड में रख देते हैं। अभी आते हैं हमारे बैटर की ओर। तो इसको एक बार चला लीजिए और कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लीजिए। तो थोड़ा पानी डालने की मुझे ज़रूरत लगी है तो थोड़ा पानी मैं डालती हूँ। टोटल 2.25 कप पानी डाला है, आप 2.5 कप तक पानी डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी हमें रखनी है इसमें। एकदम पतला बैटर नहीं कर देना है पर बहुत थिक भी नहीं रखना है। यहाँ पे डोसे का तवा ले लेते हैं, उसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं और बैटर को इस तरह से बिछा देना है। अगर आपके पास इस तरह से बॉर्डर वाला तवा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इस तरह से एकदम पतला पतला आप स्प्रेड कर सकते हो। इसको स्प्रेड करना बहुत ही इजी है। डोसा इक्वली स्प्रेड हो गया है, इसको 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पैन में रख दीजिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। उसके बाद ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा और अपने आप ही थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगेगा। तो पहले सारी बॉर्डर जो है वो रिलीज कर दीजिए तवे से और उसके बाद बीच से उठाते हुए इसको पलट दीजिए। तो अब आप इसको एक साइड भी सेक के बना सकते हो पर मैंने इसको दोनों साइड से पलटते हुए सेक लिया है। ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है मैंने।
तो यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट इसको सेक लेंगे। डोसा हमारा बन के रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसके साथ ही ये चटनी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर से बनाइए, और बच्चों को अगर टिफ़िन में देंगे ना तो जो ओरिजिनल वाला डोसा है वो एकदम सॉगी हो जाता है, तो ये डोसा एकदम क्रिस्पी रहेगा, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा टिफ़िन में। तो बनाइए और कमेंट करके बताइए मुझे आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।